नमस्कार दोस्तों, मास्टर में यूट्यूब चैनल का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि MPG 4 रिसीवर का GXTL, ठीक है, इन दोनों का आप रिमोट कैसे पेयर कर सकते हो और कैसे की मैप, कहां से की मैप ला सकते हो और कैसे की मैप ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको मैं दो तरीका बताऊँगा। और XGear ऐप है, इसको आपको अपने मोबाइल में रन करने के लिए, मैं जैसे अपने मोबाइल से रिमोट चेंज कर रहा हूँ, आपको अपने मोबाइल से रिमोट चेंज करने के लिए हमारा पिछला वीडियो में जाकर देख सकते हो, उसका लिंक भाई मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसको रन कैसे करना है, ठीक है, मतलब इसको स्टार्टिंग कैसे करना है अपने मोबाइल में। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं कि इसका रिमोट कैसे चेंज करें। तो सबसे पहले वही टूल्स जो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, देख सकते हो यही टूल GX जो टूल्स रहता है ना, यही टूल्स अब तक मोबाइल में ही ऑन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो दोस्तों, ये लोड ले रहा है और यही सॉफ्टवेयर जो आपका PC में भी चलेगा, यही सॉफ्टवेयर आपका यहाँ मोबाइल में भी चलेगा सेम। और दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से रिमोट पेयर कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, मैं दो ट्रिक बताऊंगा आप रिमोट कैसे पेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो GX अनपैक रिपैक दिया, यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ से अनपैक रिपैक करना है जिस सॉफ्टवेयर का आपको करना है रिमोट चेंज। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास बहुत सारा, यहाँ पर मैंने शुरू से अनपैक रिपैक करके रखा हुआ है, फिर भी आपको दिखाने के लिए एक कोई सॉफ्टवेयर को मैं अनपैक रिपैक करता हूँ। ठीक है, ये जैसे दोस्तों ये TL रेड है, न्यू रेड जूम सिग्नल वाला है, इसको मैं अनपैक कर देता हूँ। ठीक है, ये अनपैक हो गया, उसके बाद इसको आप बैक कर दो। ठीक है, यहाँ से बैक कर दो, बैक करने के बाद यहीं से फिर आ जाना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर न्यू टूल्स बॉक्स दिया है, यहाँ पर फॉर टूल्स, इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक फाइल के निशान है, इसमें क्लिक करना है। जैसे फाइल के निशान पर क्लिक करोगे तो आपको वो फाइल खोजना है जिसका आपको रिमोट चेंज करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ से मैं ये गया डाउनलोड फाइल में, और डाउनलोड फाइल में ये गया, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ वो सॉफ्टवेयर, ये देख सकते हो लास्ट नंबर पे है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो मेरे पास दो सॉफ्टवेयर, यहाँ पर देख सकते हो, एक यहाँ पर TL6605 वाई कास्ट वीडियो कॉन, और नीचे दिया है TL6605 न्यू रेड। तो मुझे क्या करना है, जैसे ये वाई कास्ट का सॉफ्टवेयर मैं TL न्यू रेड जूम वाले में डालूंगा। तो सबसे पहले मैं ये वाई कास्ट वाला ओपन कर लेता हूँ आपको दोनों। और यहाँ पर देखो सबसे नीचे यहाँ पर आना, इसमें आल सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर देखो आल सिलेक्ट करोगे, आल सिलेक्ट करने के बाद आपको रूट में जाना है। रूट में आओगे तो यहाँ से आओगे तो यहाँ पर DVB में ओपन करना, DVB के बाद आपको यहाँ पर थीम से मिलेगा, थीम से आओगे तो यहाँ पर देखो आपको की मैप मिलेगा। ठीक है, तो मुझे इसका की मैप वो वाले में सेंड करना है, तो उसको भी मुझे यहाँ पर ओपन करना है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। एक तरीका बताऊँगा, ये वो वाला फाइल भी यहाँ पर आपको ओपन करना है। ठीक है, दूसरा वाला भी, तो ये देख सको यहाँ पर सेम यही प्रोसेस यहाँ से ओपन करना है। और जैसे TL वाला किया, यहाँ पर आपको डाउनलोड में आने के बाद आपको ये रेड जूम वाला को ओपन कर लेना है। ये रेड जूम वाला मैंने यहाँ पर सेम रूट से फाइल ओपन करना है आपको। रूट्स फाइल ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको DVB मिलेगा, DVB देख लेना, DVB में क्लिक करोगे थीम से मिलेगा, थीम से ओपन करोगे यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये की मैप आ गया। तो जैसे वो ये वाला, जैसे मेरे पास ये अभी मैं लास्ट फाइल है जिसे इसका की मैप मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ से मैं जैसे की मैप ये डिलीट कर देता हूँ, ये की मैप ये डिलीट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, जैसे मेरे पास ये वाला है, ये जैसे इसमें देखो मेरा की मैप है, ये वाला के की मैप डालूंगा तो जो रिमोट ये वाला सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है वही रिमोट इसको ऐसे करना और प्रेस लॉन्ग टाइम, उसके बाद इसको कॉपी कर देना। कॉपी करने के बाद अपना ये वाले पर देखो यहाँ पर की मैप नहीं है, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर इंस्टॉलेट दिया, इंस्टॉलेट कर दोगे तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये की मैप आ गए। उसके बाद डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको सेव कर देना है। ठीक है, ये सेव कर दिया, ये सेव हो जाएगा, देखो सेव हो गया। इसको भी यहाँ से इसको भी सेव कर दो। ठीक है दोस्तों, सेव करने के बाद अब डायरेक्टली कुछ नहीं करना, यहाँ पर अनपैक हो गया, उसके बाद इसके ओपन दिया, ओवर ओपन हियर स्टेट, मतलब ये आपका फाइल को एक दूसरा नाम दे देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो काम, मतलब वो उसका रिमोट चेंज हो गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं ये डाउनलोड में क्लिक किया, डाउनलोड में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो TL6605
न्यू रेड जूम है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ये देख सकते हो, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन में क्लिक कर देना है, ठीक है। ये ओपन में क्लिक कर देना है, ओपन में क्लिक करोगे तो यहाँ पर रिप्लेस दिया है, रिप्लेस कर देना, ठीक है। रिप्लेस करोगे तो आपका जो यहाँ पर डेस्कटॉप में उसका न्यू करके एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा, जस्ट उसके नीचे में इसको रिप्लेस मारोगे तो देखना दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके नीचे ना जो सॉफ्टवेयर रहेगा उसके नीचे एक न्यू करके एक और फोल्डर बन जाएगा, तो आप समझ जाओगे कि ये इसका जो हमारा रिमोट है ये चेंज हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा वेट करो। क्या बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, ये देख सकते हो TL6605D न्यू रेड जूम, तो उसके नीचे भी देख सकते हो TL6 न्यू डॉट बिन बन चुका है दोस्तों। तो ऐसे करके आप एक रिमोट चेंज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद दूसरा रिमोट चेंज करने का मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।